उन्नाव केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्नाव से जो खबर सामने आई थी, ऐसे में दो लड़कियों के शव पाए गए थे जिनकी अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहां पर सामने आ गई है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर डॉक्टरों ने जिक्र किया है कि उनके जो शरीर में है जहर की पुष्टि पाई गई है, जहरीला पदार्थ पाया गया है। ऐसे में पीड़ित परिजन की भी बात सामने आ गई है। पीड़ित मां ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि लड़की के मुंह से झाग निकल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहां पर सामने आई है। जहरीला पदार्थ होने की पुष्टि यहां पर सामने आ गई है, लेकिन उसके बाद भी पीड़ित परिवार सीबीआई जांच की यहां पर मांग कर रहा है। धरना प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, लेकिन शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर सामने आ गया है कि मृतका जो लड़कियां हैं उनके शवों में जहरीले पदार्थ की यहां पर पुष्टि हो गई है। इस वक्त की बड़ी और ये अहम खबर है, क्योंकि जिस तरीके का यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तरीके से यहां पर अलग अलग आशंका जताई जा रही थी, दुष्कर्म से लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहां पर सामने आ गई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यहां पर खुलासा हो गया है कि जो लड़कियों के शव पाए गए थे उसमें जहरीला पदार्थ यहां पर पाया गया था, जिसके चलते उनकी मौत हुई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी मृतका की मां ने साफ तौर पर यह बात बोल दी है कि लड़कियों के मुंह से झाग निकल रहे थे, लेकिन अब उसके बाद भी यहां पर पुलिस की 6 टीम जांच कर रही है। सीबीआई जांच की लगातार यहां पर मांग की जा रही है।